अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे अल्लाह पाक के फजल करम शुक्र के साथ। आज एक और वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्यूअर्स, ये बहुत मज़े की है, बहुत ठंडी और बहुत मीठी। तो जी आज हम आपको कुक विद मुस्ना में रबड़ी वाला जो फलूदा होता है, जो रियल में फलूदा होता है, वो बनाना बताएंगे। जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन है, बाहर से चीज़ें हम नहीं लेते, नहीं खाते, तो वही चीज़ मैं आपको घर में बना के बताऊंगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत है बट बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो व्यूअर्स, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले फर्स्ट स्टेप्स, पहले हम इसकी जो रबड़ी है वो रेडी करते हैं, फिर उसके बाद हम जो उसके अंदर जो सेवइयां डलती हैं वो रेडी करेंगे, फिर उसके बाद जो उसका पूरा पर्पस है वो हम आपको दिखाएंगे और बनाएंगे। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध लिया है। आप कम भी ले सकते हैं, 1 लीटर का बनाना चाहते हैं 1 लीटर से भी काम कर सकते हैं आप। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी चीज़ कितना दूध यूज़ करना है और कितनी बनानी है। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इलायची ली है, तकरीबन मुझे 8 से 9 इलायचियाँ चाहिए और मेरे पास ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में ये पड़ा हुआ था। तो आप यहाँ पर 8 से 9 जो है इलायचियाँ आपने इसमें यूज़ करनी है, ठीक है। और एक प्याली जो है इसमें मैंने चीनी की ली है, भर के नहीं ली, थोड़ी सी, यानी कि 3 हिस्से जो है मैंने एक प्याली के लिए हैं। और आप इसको मेजरमेंट कर लें 1 कप के हिसाब से कि 1 चाय का कप है, आप वो चीनी का ले लें। और यहाँ पर 1 पाव मैंने खोया लिया है, तो जो बाज़ार से मिलता है व्यूअर्स, ये मैंने वो मंगवाया है। तो अब हम अपनी रबड़ी स्टार्ट करते हैं। 2 किलो इसमें मैंने दूध डाल दिया है। और व्यूअर्स, आपने ध्यान रखना है ये दूध नीचे ना लगने पाए, अगर नीचे लग गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। आपने इसको हिलाते रहना है मुसलसल, इसको बॉयल आ जाए तो फिर मैं आके आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें दूध को बॉयल आना शुरू हो गया, अभी ऐसा ऐसा पकेगा। और इसको तकरीबन मैं 1 से 2 हिस्से जो है मैं इसे ड्राई कर लूँगी, इसे सुखा लूँगी ताकि अच्छे से पक जाए, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको क्या करना है। तकरीबन 1/2 किलो दूध जो है इसको मैं पहले सूखने दूँगी, साथ साथ आपने हिलाते रहना ताकि नीचे से लगे ना। थोड़ी थोड़ी देर बाद व्यूअर्स देखें दूध हमारा काफ़ी जो है वो ड्राई हो चुका है, और जो इसका 1/4 हिस्सा है वो ड्राई हो गया। अब इसमें मैं ये जो 8 से 9 दस मैंने आपको इलायची कही थी उसको पीस के, या उसका पाउडर जो मैंने कहा है 1 टी स्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है। इससे व्यूअर्स इसकी खुशबू बहुत प्यारी आएगी। और साथ ही यहाँ पर जो ये मैंने खोया रखा हुआ है जस्ट ये मैं डाल भी जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। और आपको पता है कि जब हम खोया या चीनी डालने शुरू कर दें या दूध में डालें तो आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो जाता है, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें डाल दिए, आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं पकाती जाऊँगी और हिलाती जाऊँगी। और ये सारा खोया मैंने इसमें डाल दिया है, इसको मैं अच्छे से पहले इसमें मिक्स कर दूँगी, पूरा खुद ही इसमें मेल्ट भी हो जाएगा अच्छे से। और आपने भी इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, हाथ इस तरह हिलाते रहना मसलसल ताकि नीचे लगने ना पाए। ये बहुत मज़े की रबड़ी बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको सिंपल ठंडा करके भी खा सकते हैं आइसक्रीम के तौर पे, ठंडी रबड़ी जैसे आपको पता है मिलती है, तो इसको फ्रीज करके आप खा सकते हैं। दूध जो है हमारा थिक होना शुरू हो गया, अभी भी लम्स हैं इसमें खोए के। देखें जैसे जैसे दूध पकता जाएगा साइड पे जो ये मलाई इकट्ठी होती जाएगी, तो भी आपने इसी दूध में आपने मिक्स करते जाने हैं, ये और अच्छी जो है पकी हुई मलाई इसके अंदर जाएगी तो और मज़े का टेस्ट आएगा। बस जलने ना पाए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हम सब सब इसको हिलाते रहना है। अब मैं इसमें ये चीनी डालूंगी जो मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पर मैं अपनी रबड़ी को जो थिक करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा एक टिप डालूंगी, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप चाहें तो बस डाल लें, अगर नहीं चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने ये देखें 1 टेबल स्पून का जो है 1 हिस्सा छोड़ दिया और 3 हिस्से मैंने ले लिए, और थोड़ा सा मैंने पानी लिया है। इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे पतली सी, इससे जो है रबड़ी
वो थोड़ी सी ठीक फॉर्म में आ जाएगी जल्दी से। ऐसे अच्छे से हिला देंगे और व्यूअर्स थोड़ा 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 करके मैंने इसमें डालना है। देखिए व्यूअर्स थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल रही हूँ आपके सामने, ताकि जो मछली है हमारी ठीक फॉर्म में चली जाए। बस ये अब इसको मैं पकाती रहूँगी। अब ये पहले से भी जल्दी जो है ठीक हो जाएगी। दूध हमारा कितना रेड्यूस हो चुका है और रबड़ी हमारी रेडी होने को है। दूध जो है मेरा काफ़ी ठीक हो चुका है, अच्छी सी रबड़ी बन गई है। अब यार इसमें अगर हम एक्स्ट्रा और कुछ डालना चाहें तो मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालूँगी इसमें, फिर थोड़ा सा मैं पिस्ता और थोड़ा सा बादाम ऐड करूँगी। वैसे आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। अब इसकी लुक देखे कैसे है, दूध की जो है वो साइडें बबल्स आनी शुरू हो गई हैं। कब तक इस तरफ अब ये खोया जो है हमारी रबड़ी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। देखें ये बबल्स आ रहे हैं साइड पे, जिस तरह के बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब ये हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। और वेयर एक चीज़ मुझे बतानी भूल गई थी कि ये आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे, आप नॉन स्टिक कढ़ाई में नहीं इसको बनाएंगे, ठीक है। मैंने फ्लेम बंद कर दी है और अब इसको हम लो टेम्परेचर में आने देते हैं। देखिए वेयर अभी इसकी जो थिकनेस है वो आपके सामने है, ये देखें। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये और मज़े की बन जाएगी, तो मैं इसको दिखाऊँगी। अब इसको हम रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देते हैं और हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, फलूदे की सेवइयों के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। 1 कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे तकरीबन 2 से 3 गिलास जो है मैंने पानी के लिए हैं। आप अगर सेवइयाँ कम रखना चाहती हैं तो कॉर्नफ्लोर कम कर दें, पानी भी कम उसी हिसाब से हो जाएगा। यानी कि अगर 1 कप आपने मैदा लिया है, सॉरी कॉर्नफ्लोर लिया है, तो उसके 2 हिस्से जो हैं आपने पानी के लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है तुख मलंगा, ये तुख मलंगा मैंने जो है 2 टेबल स्पून मैंने लिया था और इसको मैंने भिगो के रख दिया है। और ये आपके सामने मैं इसको दिखाती हूँ, ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने गीला करके रख दिया था, ये इस शेप में आ चुका है। और इसको मैं भी ढांप के रख दूँगी, मैंने ये सिर्फ आपको दिखाना था कि आप इसको भी गीला करके रख दें, ठीक है। और यहाँ पर फिर सेवइयों की तरफ आते हैं। यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैंने चीनी दी है ताकि हमारी सेवइयाँ मीठी बने। व्यूअर्स ये देखें, मैंने एक ये लिया है कुन्ना, कुन्ने में मैंने बर्फ़ डाल दी है और पानी डाल दी है। अगर आपके पास कुन्ना नहीं है तो आप किसी पतीले में भी इसको डाल सकते हैं। और ये आपने ठंडा पानी चिल करने के लिए रख देना है। और यहाँ पर हम अपनी रेसिपी रेडी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा नीम गरम होने देंगे। जी व्यूअर्स, ये नीम गरम हो गया है, आप इसको टच करके देख सकते हैं तो आपको फील हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और इसको मैं हिलाती रहूँगी ताकि इसमें कोई लम्स रह ना जाए। व्यूअर्स, आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि ये फ़ौरन से पहले जो है इस पकना शुरू हो जाता है। और साथ ही मैं इसमें चीनी डाल दूंगी ताकि ये भी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और आंच व्यूअर्स मैंने रखी हुई है बिल्कुल लो क्योंकि ये जल्दी से पक जाता है। तो अभी पहले मैं इसको चीनी मेल्ट करने के लिए बिल्कुल मैंने इसको लो पे रखी है और साथ साथ हिलाते रहना है, आपने इसको रोकना नहीं है। हमारी जो फलूदे की सेवइयाँ हैं, अब थोड़ा सा मैं जो है फ्लेम को थोड़ा सा मैं मीडियम पे कर दूंगी। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आस्पिरेट इसकी बिल्कुल लुक हो जाएगी। और आपने इसको मुसलसल आपने हिलाते रहना है, आँच आपने लो कर देनी है फिर से ताकि ये हमारा जो है लगने ना पाए। और इसको मैंने, ये देखें बिल्कुल इसको मैंने जो है वाइट ट्रांसपेरेंट जिस तरह लुक होती है वैसी लुक मुझे चाहिए। तब तक मैं इसको पकाती रहूँगी। अब ये जो मैंने सेवइयों के लिए मैंने पेस्ट बनाई है, ये मैं इसमें डालूँगी कैसे वाली बोतल में, मैं इसको भर लूँगी। और ये देखें, मैंने कैचअप में डाल दिए सेवइयों का जो मटेरियल है, बैटर जो मैंने रेडी किया है। और ये देखें मेरे पास पानी चिल है और यहाँ पर मैं इसमें जो है सेवइयों के लिए मैं कुछ करती जाऊँगी। देखिए व्यूअर्स कैसे ये निकलती जा रही है सेवइयाँ।
ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह आपने डालते जाना है और वो पानी में खुद ब खुद ही नीचे जाके बैठती जाएंगी। हमारी जो सेवैयाँ हैं मैंने इसमें रेडी करके रख दी हैं और ये इसी तरह इसमें काफ़ी ज़रा आधा पौना घंटा पड़ी रहेंगी ताकि अच्छे से चिल हो जाए। और मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखिए व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स अभी गर्म है इसलिए ये देखें कितनी परफेक्ट बन रही हैं। तो ये जब ठंडी हो जाएंगी तो ये बहुत मज़े की बन जाएंगी। अभी अब इसको पड़े रहने देंगे इसके अंदर और इसमें मैं मज़ीद और बर्फ़ डाल दूँगी। जी व्यूअर्स, अब ये थर्ड स्टेप है, इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन एक गिलास पानी और हाफ कप मैं इसमें चीनी डालूँगी और इसका हम बनाएंगे शीरा। ये अलग से बना के रखेंगे और यहाँ पर मैं तीन इलायचियाँ इसमें डाल दूँगी, मैं इसको पकाऊँगी। शीरा हमारा रेडी हो चुका है तकरीबन, अब हम इसको चेक कर लेंगे। देखें यार, ये देखें तार बनने शुरू होगी। बस अब हमने यहाँ पर बंद कर देना, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हमें ये शीरा चाहिए, जैसे सिरप होता है मीठा, हमें ये वो बनाना था। बट थोड़ा सा हमें तार चाहिए थी इसलिए मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए व्यूअर्स, शीरा हमारा रेडी हो चुका है, अभी ठंडा हो जाए ये भी और सब कुछ चिल हो जाए, ठंडा हो जाए तो फिर हम जो है फलूदे को रेडी करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें रबड़ी रेडी हो चुकी है और इसको मैं अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। देखें यहाँ पर फलूदे के लिए जो चीज़ें अब हमें चाहिए, सेवैयाँ जो इसके अंदर रेडी हो चुकी हैं, ठीक है, ये हमारा जो रबड़ी है वो रेडी हो चुकी है और तुखमलंगा, और यहाँ पर ये मैंने आइस को जो है ये देखें बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पिस्ता बादाम रखा है और ये शीरा है। तो जी व्यूअर्स, अब हम फलूदे का जो प्याला है वो रेडी करते हैं, हाथ धो लेने हैं अच्छे से, मैंने भी धो लिए। देखें व्यूअर्स, सेवी डाल दी और फिर इसके मैं थोड़ा सा शीरा डालूँगी, यहाँ पर ये मैं रबड़ी डालूँगी और तो फलंगा डालूँगी, मैं बर्फ़ डालूँगी। हमारा फलूदा रेडी हो चुका है, रबड़ी फलूदा, मैंने जो रबड़ी बनाई है उसके साथ ये फलूदा इतना मज़े का और इतना टेस्टी लगता है। अगर आप इसमें और बर्फ़ डालना चाहते हैं, ठंडा करके खाना चाहते हैं, तो और बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। बट अब व्यूअर्स, ये बहुत मज़े का बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा इफ्तार होने वाला है तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको आपको खा के दिखाऊँगी और फिर आपको बताऊँगी कि कितना मज़े का बना है। जी व्यूअर्स, अफ्तार हो गया है और ये देखिए कितना मज़े का, कितना टेस्टी मैंने मिक्स कर लिया सारा। और ये देखिए मैंने बर्फ़ और इसमें ऐड किया और ये जितना बर्फ़ के साथ ठंडा और मज़े का लगता है, बहुत मज़े का फलूदा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।